हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाइयों, बेंगलोर के फैन को आईपीएल में इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी इस आईपीएल में मिली है। बेंगलोर ने अपना पहला मैच का शुरुआत जीत के साथ किया है और वहीं कोलकाता का फैंस के लिए थोड़ा बैड लक रहा। कोलकाता अपना पहला मैच बारिश के कारण हार गई। एक तरफ कोलकाता अपना पहला मैच हार करके आ रहा है तो दूसरी तरफ बेंगलोर अपना पहला मैच जीत करके आ रहा है। बेंगलोर चाहेगा कि अपना पहला मैच को रिपीट करे और एक और जीत के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़े। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अपने पहले मैच में जो गलती किया था वो गलती को भूल करके एक शानदार शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे में ये जो मुकाबला होने वाला है काफी शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, एक हाई वोल्टेज वाला मैच होने वाला है। तो आइए गाइस, बात करते हैं मैच नंबर आईपीएल का 9th, बेंगलोर वर्सेस कोलकाता, जो खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन सी टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, कौन सी टीम के साथ आपको रहना है और मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, जैसे पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, हेड टू हेड मैचेस दोनों के बीच और फैंटेसी टीम और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिंग होने वाली है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। अगर स्किप कर देंगे तो आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर मैच का प्रीव्यू करते हैं जिसको देख करके आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर ही फाइनल अपडेट मिलती है और बैक टू बैक अपना आईपीएल का मैच पास हो रहा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो ग्राउंड रहेगा कोलकाता का ईडन गार्डन का और ये ग्राउंड पे टोटल 79 मैच हुआ है। 79 मैच में से 32 मैच डिफेंड हुआ है, 32 मैच डिफेंड हुआ है और 47 मैच चेस हुआ है, 47 मैच यहाँ पे चेस हुआ है। और वहीं इस ग्राउंड का अगर एवरेज स्कोर देखा जाए फर्स्ट इनिंग का तो 161 रहता है यहाँ का एवरेज स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 232 रन का हाईएस्ट स्कोर है, जो केकेआर नहीं बनाया था, कोलकाता नहीं बनाया था हाईएस्ट स्कोर। ईडन गार्डन का अगर पिच के बारे में बात किया जाए तो पिच यहाँ का ज़बरदस्त रहता है बैटिंग के लिए, बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है इस पिच से। और बाउंड्री यहाँ का छोटा है ईडन गार्डन का, जिसके वजह से यहाँ पर चौका छक्का आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और जो भी यहाँ पे पहले बैटिंग करता है वो एक हाई स्कोर बना करके देता है दूसरी टीम को, लेकिन इस ग्राउंड पे चेस होते हैं, इस ग्राउंड पे चेस होना पॉसिबल है। कोई भी टारगेट अगर मिलेगा तो वो चेस होते हुए आपको दिखेगा। ग्राउंड सपोर्ट करता है सेकेंड बैट को, लेकिन यहाँ पे एक हाई स्कोर होता है। आइए बात कर लेते हैं आज के गिव अवे क्वेश्चन का, जिसका सही जवाब दे करके आप जीत सकते हैं 200 रुपये। तो आज का क्वेश्चन है, आज के मैच पे सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले का आपको नाम बताना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाना है, जो भी आपको लगता है वो आंसर करना है। आंसर सिर्फ आपको एक ही करना है, 10-12 आंसर नहीं करना है, आंसर आपको एक ही करना है। और विनर अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आफ्टर मैच, मैच खत्म होने के बाद विनर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं हेड टू हेड मैच का। तो इन दोनों के बीच 30 मैच खेला गया, जिसमें कोलकाता ने 16 मैच जीता है और बेंगलोर ने 14 मैच जीता है। दोनों टीम का अगर रिसेंट का 5 मैच देखा जाए तो 5 मैच में से कोलकाता ने 2 मैच जीता है, 3 मैच हारा है। वहीं आरसीबी ने 5 मैच में से 3 मैच जीता है, 2 मैच हारा है। दोनों टीम का अगर लास्ट का मैच देखा जाए तो कोलकाता का मैच पंजाब के साथ था, जिसमें कोलकाता को पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और बात करें बेंगलोर का, तो बेंगलोर एक शानदार मैच जीता था मुंबई के खिलाफ। मुंबई ने 172 रन का टारगेट दिया था, जिसमें बेंगलोर ने 16 ओवर 2 बॉल पे ही वो टारगेट चेस कर लिया था। सारे रिकॉर्ड को अगर देख करके टीम स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो टीम ज़्यादातर स्टेबल लग रही है मुझे बेंगलोर। बेंगलोर टीम कोलकाता से ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। लेकिन भाई, ये मैच जो खेला जाएगा कोलकाता के होम ग्राउंड पर, तो कोलकाता को ये ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जिसके वजह से ये दोनों टीम एकदम 50-50 पे है, बराबर की टीम लग रही है। आइए बात करते हैं इस मैच का की प्लेयर। तो इस मैच पे की प्लेयर हो सकते हैं कोलकाता की तरफ से रसल और सुनील नारायण। और वही आरसीबी की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो कोहली और मोहम्मद सिराज, ये दो प्लेयर हैं जो आरसीबी की तरफ है। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम का इस मैच का। तो इस मैच पे फैंटेसी टीम में मैंने कैप्टन बनाया है रसल को और वाइस कैप्टन बनाया है मैंने कोहली को। ये दो प्लेयर हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और दोनों मैंने बैट्समैन को पिक किया है क्योंकि यहाँ पे रन बनते हैं और दोनों एक अच्छे फॉर्म में हैं। अगर आप लोग टीम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, लेकिन फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस मिलेगा, वो भी टेलीग्राम पे। आइए बात करते हैं फाइनल प्रेडिक्शन का, फाइनल टीम विनिंग पॉसिबिलिटी का। तो जहाँ तक ये मैच की बात है, ये मैच 50-50 का, दोनों कांटे की टीम है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये मैच बेंगलोर जीत सकता है। बेंगलोर के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, आप लोग को बेंगलोर के साथ रहना है
और बेंगलोर को विन करना है। बाकी ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप अपना भी देख लेना, जो आपको अच्छा लगे वही करना। मैं हमेशा से बोलता हूँ, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, जो आपका दिल करे वही करना, ठीक है। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाओ, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। टॉस होने के बाद कोई भी चेंज होता है टीम में तो टीम चेंज करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है फाइनल टीम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो भाई, हर मैच का वीडियो आता है जिसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है आपको मैच से रिलेटेड, ठीक है। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।